globalization, privatization and liberalization. ठीक है, you all know about economic reforms. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? 1991 में. तो उसके अंदर हमारी तीन टर्म्स थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के बारे में. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड स्टार्ट ओपनिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि इंटरनेशनल स्केल में बिजनेस होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि देखो इधर देखो इसमें क्या है. सबसे पहले एक तरफ है इंटरनेशनलाइजेशन, दूसरी तरफ है ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन में क्या है कि प्रोडक्ट से प्रोडक्ट डिजाइन इंटरनेशनल लेवल पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पे, प्रोडक्ट टेस्टिंग या क्वालिटी एश्योरेंस की प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है वो कैसा है इंटरनेशनल लेवल पे. उसके बाद फेज टू में लोकलाइजेशन में क्या है कि प्रोडक्ट लोकल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग आ गया, लोकल प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस. तो इसके बाद ग्लोबलाइजेशन की ये प्रोसेस होती है, ग्लोबलाइजेशन के बाद इंटरनेशनलाइजेशन लेवल पे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि टाइप्स, थ्री टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन होता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन कि कितना डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज है उनकी पॉलिटी जो है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबलाइजेशन के लिए. दैट ग्लोबलाइजेशन इज नोन एज पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट है हमारा सोशल ग्लोबलाइजेशन, इसमें भी बिल्कुल पॉलिटिकल की तरह है. सोशल ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन एंड थ्रू डिफरेंट कंट्रीज. क्लियर है. नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है, ऑफ इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड एंड द एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज. कैसे डिफरेंट आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, कैसे रिसोर्सेज एक्सचेंज हो रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में. तो दैट ग्लोबलाइजेशन इज नोन एज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के. इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है, जब इंटरनेशनल लेवल पे काम होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी. एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है इंक्रीज इन द ग्लोबलाइजेशन, इट बिकम्स easier for people to move across borders, ठीक है, through different parts of the world to acquire better education. लेकिन before globalization जब economic reforms नहीं आए तो उससे पहले ये possible नहीं. ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा disadvantages क्या है, environmental degradation या फिर